और कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं YouTube का ज्ञानालय चैनल। इससे पहले हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है माइकोरिजा। नीट बायोलॉजी का कोर्स चल रहा है, इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज माइकोरिजा को डील करेंगे। माइकोरिजा क्या होते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये आज इसमें हम पूरा डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो माइकोरिजा क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज माइकोरिजा? माइकोरिजा जो होते हैं, नाम से जो है क्लियर है। जब भी कोई टर्म्स आए, कोई शब्द आए, तो सबसे पहले उस शब्द को ध्यान से देखिए, देखिए किन शब्दों से मिलकर बना है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर आपको शब्द का मतलब ही पता चल जाए तो बहुत चीजें अपने आप ही स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे ये माइकोरिजा जो है ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से बना हुआ है। क्या है ये? माइको प्लस रिजा, दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है माइकोरिजा। यहां पे माइको का मतलब होता है फंगस, माइको का क्या मतलब होता है? फंगस। और रिजा का जो ये राइजा है, इसका मतलब होता है रूट। फंगस रूट, माइकोरिजा का जो शाब्दिक अर्थ होगा फंगस रूट या फंजाई का जड़। तो ये होता क्या है, अब इसको देखते हैं। तो जो माइकोरिजा है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। समझ में आया कुछ? नहीं आया होगा। माइकोरिजा हमने कहा कि ये दो शब्दों से बना है, माइको मीन्स फंगस, रिजा मतलब रूट यानी फंजाई भी है और रूट भी है। रूट किसमें होता है? फंजाई जो होता है उसमें रूट तो होते नहीं है। पूरी फंजाई जो होती है उसकी बॉडी माइसीडियम की बनी होती है। हाइफी जो होते हैं, हाइफी ढेर सारा माइसीडियम बनाते हैं, इसी से फंगस बनता है। रूट जो होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये जो माइकोरिजा है ये कोई जीव नहीं है, बल्कि ये एक तरह का रिलेशनशिप है, एक तरह का संबंध है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोरिजा। जो माइकोरिजा है ये कोई जीव नहीं है, बल्कि ये एक तरह का एसोसिएशन है। जैसे अगर आप लोगों ने जो सोले फिल्म है उसमें जय वीरू को देखा होगा, जय वीरू दोनों क्या थे? दोनों फ्रेंड थे और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते थे। सेम कंडीशन यहां पे भी है। ये जो फंजाई है और ये जो प्लांट है, ये एक ऐसी दोस्ती बनाते हैं, एक ऐसी दोस्ती करते हैं जिसमें ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं और फिर प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ आजीवन रहते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि माइकोरिजा कोई जीव नहीं है, बल्कि ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और हायर प्लांट के रूट के साथ। सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल, म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसमें दोनों एक दूसरे की हेल्प करें। मतलब अगर दो लोग, दो जीव, क्योंकि एक फंजाई है एक प्लांट है, दोनों जीव एक साथ रह रहे हैं, एक साथ तभी रहेंगे जब दोनों को लाभ होगा ना, परस्पर लाभ होगा तभी दोनों एक साथ रहेंगे। तो सिम्बायोटिक का यही मतलब होता है कि ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिनमें दोनों पार्टनर को बराबर रूप से फायदा मिलता है। एसोसिएशन मतलब संबंध होता है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा अब कि जो माइकोरिजा है ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। रूट जो हायर प्लांट के रूट होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनकी जो रूट होती है और उसके साथ फंजाई जो होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है। तो जो फंजाई है, जो माइकोरिजा वाला फंजाई है और जो प्लांट है, हमने कहा ना कि जय वीरू का संबंध है, दोनों को एक दूसरे से लाभ होगा। जो माइकोरिजा फंजाई होता है ये प्लांट को क्या देगा? प्लांट को देगा पानी देगा और न्यूट्रिएंट देगा। जो फंजाई होगा इन दोनों पार्टनर में, जो फंजाई होगा वो प्लांट को देगा वाटर देगा और न्यूट्रिएंट्स देगा। ये प्लांट को मिलेगा, प्लांट फिर इसको क्या देगा? प्लांट इसे देगा सुगर देगा और रहने के लिए घर देगा। दो चीज देगा, क्या देगा? सुगर देगा मतलब फूड देगा फंजाई को और घर देगा रहने के लिए। तो ये
दोनों को लाभ हो रहा ना, फंजाई को मिला खाना और घर मिल गया, प्लांट को मिल गया पानी और न्यूट्रिएंट मिल गया, तो दोनों को लाभ हो रहा ना, परस्पर लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है, इसे भी लाभ हो रहा है। तो ये जो लाभ है, यही कह रहा हूं कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों को लाभ हो रहा है। यहां तक क्लियर हो गया क्या है माइकोरिजा। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार की माइकोरिजा होते हैं। तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। मेन रूप से तीन प्रकार के माइकोरिजा होते हैं, तीन प्रकार के माइकोरिजा होते हैं। पहला प्रकार है एक्टो माइकोरिजा, नाम से क्लियर है एक्टो, एक्टो मतलब होता है बाहर। ऐसे जो है माइकोरिजस माइकोरिजा जिनमें ये प्लांट सेल है और ये फंजाई का माइसीलियम है, जब सेल के बाहर फंजाई प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे, एक्टो माइकोरिजा। दूसरा तरीका, दूसरा प्रकार है माइकोरिजा का एंडो माइकोरिजा। एंडो का क्या मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर। जब फंजाई जो है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, एंडो माइकोरिजा। तो ये दो प्रकार के हो गए माइकोरिजा, एक्टो और एंडो माइकोरिजा। एक्टो में जो है फंजाई प्लांट सेल के बाहर रहता है, और एंडो माइकोरिजा में क्या होता है कि फंजाई जो होता है वो प्लांट के अंदर में चला जाता है। तीसरा प्रकार है बैम, VAM बैम। बैम का पूरा मतलब है वेसिकुलर आर वास्कुलर माइकोरिजा। ये एक स्पेशल तरह का माइकोरिजा है जिसमें जो फंजाई होता है वो कुछ वेसिकल बनाता है और कुछ आर वास्कुल्स बनाते हैं, कुछ इस तरह से। ये वेसिकल है और ये जो बना है ये आर वास्कुल है। तो ये स्पेशल तरह का माइकोरिजल है जिसको बैम कहते हैं, यानी वेसिकुलर आर वास्कुलर माइकोरिजा। तो ये पूरा स्पष्ट हो गया। यहां देखो ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमने बनाया था, यहां पर ऐसे ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, प्लांट में ऊपर वाला जितना पार्ट है वो एरियल सिस्टम कहलाएगा, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया, सब इसी में लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, पूरे प्लांट में होगा। जमीन के अंदर जो होगा वो क्या होगा, रूट्स होगा, ये रूट्स है। क्या है ये रूट्स है, ये जो रूट्स है इसी के साथ फंजाई लगे होते हैं, इसी के साथ फंजाई लगे होते हैं, तभी तो रूट के साथ एसोसिएशन बनाएगा। तो ये जो फंजाई है ये माइकोरिजा फंगाई है और ये प्लांट का रूट है। इस दोनों क्रिया में दोनों को लाभ होगा और दोनों एक साथ जयवीरू की तरह प्रेम पूर्वक रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा कि माइकोरिजा क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर ऐसा क्या है कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होता होगा, बिना उद्देश्य के क्यों पढ़ा जाए। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या इनका इंपॉर्टेंस है, माइकोरिजा का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग इसको कैसे इकोनॉमिक रूप से यूज कर सकते हैं, कोई उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा यूज है माइकोरिजा का बायो फर्टिलाइजर के रूप में, इनका इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि कहा ना कि ये प्लांट को क्या देते हैं, वाटर देंगे और न्यूट्रिएंट देंगे। तो अगर प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलेगा तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, और अगर अच्छे से ग्रोथ करेगा तो खेत की पैदावार अच्छी होगी। इसलिए माइकोरिजा का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। अब इस क्रिया में जो होता है, माइकोरिजा क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट सॉल्युबिलिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जो सॉइल में ढेर सारे न्यूट्रिएंट हैं उनको सॉल्युबल कर देता है, यानी घोल देता है, उनकी उपलब्धता बढ़ा देता है। अब जब सॉल्युबल होगा जो न्यूट्रिएंट है और अवेलेबल होगा तो प्लांट उसको अपने निर्माण में जो है अपने शरीर के निर्माण में यूज कर लेगा। तो ये बायो फर्टिलाइजर हो गया। इसके अलावा जो है जो रूट होगा, ये जो फंजाई होगा रूट के चारों तरफ पूरी एक कवरिंग बना लेगा, ये पूरी कवरिंग बना लेगा जिसमें ढेर सारा मॉइस्चर होगा, पानी होगा। तो इस कंडीशन में जो क्या होगा कि मॉइस्चर रिटेंशन का काम भी फंजाई करेगा माइकोरिजा में, जिससे प्लांट को ज्यादा पानी मिलेगा, ज्यादा पानी मिलेगा तो ज्यादा प्लांट ग्रोथ करेगा, फिर सीड जर्मिनेशन को ये बढ़ाता है।
अगर खेत में सीड बोने से पहले उसे माइकोरिजा के साथ मिला लिया जाए और फिर खेत में बो दिया जाए तो ज्यादा मात्रा में सीड ग्रोथ करेंगे, जो सीड जर्मिनेशन होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये भी एक इसकी उपयोगिता है, इसका इंपॉर्टेंस है। और फिर फास्फेट, खेत में जो फास्फेट होगा उसकी मात्रा खेत में बढ़ाएगा, मतलब उपलब्धता उसकी बढ़ा देगा, जिससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी और इस उत्पादकता से फिर क्या होगा कि किसान की इनकम बढ़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंस है माइको रीजा की। इसके अलावा जो ये माइको रीजा जो है, जो फंजाई है रूट के चारों तरफ, ये हानिकारक जो है जीवों से प्लांट की रक्षा भी करता है, क्योंकि इसके चारों तरफ कवरिंग बना दिया, पूरे रूट के चारों तरफ फंजाई कवरिंग बना दिया। अब कोई भी जीव इसको हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर प्लांट को हमला करना है तो पहले फंजाई से लड़ना होगा। फंजाई कहता होगा ना कि अगर प्लांट को कुछ करना है तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही है, अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, वो अगर प्लांट को अटैक करना चाहता है तो सबसे पहले उसे इस फंजाई से निपटना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह के जो हानिकारक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे भी प्लांट की रक्षा ये माइकोरिजा करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइकोरिजा, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पे हो गए, डेफिनेशन हो गए, और ये टाइप हो गए एक्टो, एंडो और बैम माइकोरिजा। यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। आप लोग वीडियो रोक के पूरा लिख लीजिए, डायग्राम भी थोड़ा थोड़ा बना लीजिए, और ये सब जितना बताया हूं उसे कॉपी में नोट करते चलिए। तो आज के वीडियो में इतना काफी है, अगले वीडियो का इंतजार करें।